9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। बिहार के भागलपुर से कांग्रेस विधायक और पार्टी के विधानमंडल नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि मांझी चाहे तो कांग्रेस में आ सकते हैं, अगर वो पार्टी का विलय नहीं कराना चाहते हैं तो मांझी और मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा बनकर बिहार में जनता की सरकार बनाए। इस वक्त बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, जिसे विधानसभा चुनाव में जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। जनता ने बता दिया है कि उन्हें नीतीश कुमार पसंद नहीं है। नेतृत्व संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई। संभावना है कि इस मीटिंग में पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर विचार मंथन हो सकता है। खास बात यह है कि मीटिंग के लिए सोनिया गांधी और असंतुष्ट नेताओं के बीच पुल का काम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नेतृत्व के संकट को खत्म करने के लिए कदम उठाने की मांग की थी। इससे नाराज सोनिया अब तक इन नेताओं से मिलने से इनकार कर रही थी, लेकिन कमलनाथ ने सोनिया के साथ असंतुष्ट नेताओं की भी मीटिंग के लिए बुलाने की एक बड़ी भूमिका निभाई है। सूत्रों की माने तो एमपी में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कमलनाथ पार्टी का संकट सुलझाने के लिए सक्रिय हो गए थे। ये भी कहा जा रहा है कि असंतुष्ट नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी उन्हें सोनिया गांधी दे रही है। बीते 8 दिसंबर को कमलनाथ की सोनिया गांधी के साथ लंबी बैठक हुई थी। इस बैठक में कमलनाथ को पार्टी का संकट दूर करने के लिए असंतुष्टों से बातचीत करने को कहा गया था। करीब 1 महीने पहले अहमद पटेल की मृत्यु के बाद से सोनिया गांधी को अपने नए संकट मोचक की तलाश है। पिछले करीब 2 दशक से पटेल सोनिया के साथ विश्वस्तों में शामिल थे और पार्टी का हर संकट सुलझाने में उनकी भूमिका अहम होती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पार्टी में जगह खाली है। गांधी परिवार के कई विश्वस्तों के असंतुष्टों में शामिल होने से सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में कमलनाथ पार्टी के लिए नए संकट मोचक हो सकते हैं। कमलनाथ गांधी परिवार के पुराने वफादारों में शामिल हैं। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी उन पर भरोसा करते हैं। 3 दिन पहले ही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कहा था कि अब वो आराम करना चाहते हैं। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी सक्रियता कम होगी। अब ये अंदाजा लग रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय संगठन में बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।